हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने जाने वाले हैं न्यूकटॉक 5 की कुछ डरावनी वीडियो। तो बिना देरी करते हुए चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जापान का लड़का रोड पे जा रहा है कार से, और उसे सोशल मीडिया से कुछ पता चला है कि यहाँ इस जगह पर एक हॉन्टेड प्लेस है, तो वो देखने के लिए जाता है। तो चलो आगे।今現在の時刻が18時49分7時前なんですが、もう暗いですね、やっぱり山で。これは登るとこ、どうやって登れるんだよ。階段ですね、階段がありました。तो आखिर में उसे वो घर मिल ही जाता है, और वो उस घर के अंदर जाने लगता है। और अंदर जाते ही वो नोटिस करता है कि चारों ओर दीवारों में तालिस्मान लगा है। जापान में तालिस्मान स्पिरिट्स को भगाने और गुड लक लाने के लिए यूज करता है।怖っ、何これ、なんかあったんちゃうんか、村で、この村でなんか変な糞みたいな、ウジ虫みたいなのが臭い、これか、多分これです、この臭い匂い。いや怖っ、マジで。と、やかがプラビクラウアタアルエクルメタバッサラキラバラパラヘ。ウシサメイスラルゲゴバッジャダガンディスメラタヘアルワッ देखने लगता है कि वो कहां से आया है, और उसके बाद जो हुआ वो बहुत डरावना है। तबन टॉयलेट だとは思うんですけど、いや怖い、これは本当に怖い。さすがにちょっとなんか大便器ですね。木があってなんか抜けてます。抜けてます、そこが。これはきつい、危ない。やばい、臭いです、ちょっとやばいです。この辺にライトがちょっとこの辺にしておきます。これはちょっと怖いです。一旦出ましょう、ちょっと。とアップのごねでか、ジェセウバトルムセニカルケムラオタイウスケケメレメドラブナサエクセラクプサロジャタイウスラケコクズビパタネオタイアウォウスカーセニカルジャタイ。तो क्या लगता है आपको, क्या इस घर में सच में एक भूत है या नहीं? अगर नहीं भी तो ये क्या है? तो ये वीडियो ब्राज़ील का है, और ब्राज़ील में एक क्रैपोग्रांजी सिटी है जहाँ पर एक हाईवे है जो कि माना जाता है कि श्रापित है, और उस जगह में बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार एक्सीडेंट होता है। कहा जाता है कि इस हाईवे में कार अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और उसी कारण से रहस्यमय तरीका से उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। और मई 30 में उसी जगह एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, और मीडिया लोग भी आया था और उसे वहां पर वीडियो ब्रॉडकास्ट कर रहा था। पैसेंजर तो मर चुका था, वो लोग गाड़ी का वीडियो बना के दिखा रहे थे, लेकिन तभी व्यूअर्स को दिखता है कि वहाँ पर कुछ अजीब सा चीज़ है, और वो लोग न्यूज़ चैनल को बता देते हैं कि वो लोग ने कुछ ना कुछ तो अजीब चीज़ कैप्चर किया है। तो चलो देखते हैं। Ali na saída para Três Lagoas, esta caminhonete capotou e um idoso morreu na hora. क्या आप लोगों ने देखा, वहाँ पर अजीब सा चेहरा आ जाता है जब वो लोग कैप्चर कर रहे थे, और वो चेहरा एक बच्चा का लग रहा था जो कि थोड़ी देर के लिए झांक के देखता है। और ये वीडियो लगभग लगभग रात की 3 बजे शूट किया है। वहाँ पर चीजें और डरावना हो जाता है। उसी एक्सीडेंट की 2-3 दिन बाद वहाँ पर एक और एक्सीडेंट हो जाता है, और वो सेम टू सेम वही गाड़ी था, और वहाँ पर एक 8 साल का एक बच्चा मर जाता है, वो भी वही जगह पे जहाँ पर पहले वो कार एक्सीडेंट हुआ था। Dentro da caminhonete estavam 6 pessoas, entre elas uma criança de 8 anos que morreu na hora. तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर सच में भूत है, और यहाँ पर कोई एंटिटी है, या सिर्फ ये हमारा दिमाग का बहम है? वो आप लोगों को पे छोड़ता हूँ मैं।
तो हाँ ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी ये वीडियो से बहुत फट रही है तो चलो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पर।